धनतेरस के दिन रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। महालक्ष्मी मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा होता है जिससे महालक्ष्मी माता का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन इस बार भक्तों ने 7 करोड़ रुपए माता के चरणों में रख दिए। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर अब पूरी तरह से शबाब पर है, सज चुका है। आप देखें यहाँ पर कि यह रतलाम का प्रख्यात महालक्ष्मी मंदिर है जो रतलाम के माणक चौक क्षेत्र में स्थित है। मंदिर की बहुत सारी मान्यता है। खास बात यह है कि इस बार जो है वह माता का जो श्रृंगार है वह 92 कैरेट गोल्ड के जो है उससे किया गया है। साथ ही जो है तमाम करोड़ों रुपए के हीरे मोती की जो माला है वह माता के गले में पहनाई गई है, श्रृंगार किया गया है। और आप यह जो देख रहे हैं, ये जो नीचे है, ये जो पैसे आप देख रहे हैं, यह जो संदूक में देख रहे हैं, ये जो भी है यह राशि है तकरीबन 7 करोड़ रुपए। बिल्कुल, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह राशि है तकरीबन 7 करोड़ रुपए जो कि भक्तों ने माता के जो चरणों में रखी है। और बकायदा जो है इसकी एंट्री होती है, आधार कार्ड लिए जाते हैं कि कौन भक्त माता के चरणों में कितने जो है पैसे रख रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जो लोग मंदिर में जो है पैसे रखते हैं उनका कहना है कि जो वो माता के चरणों में पैसे रखते हैं उससे जो है उन्हें माता का जो आशीर्वाद मिलता है और महालक्ष्मी माता की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है और उनके धन में वृद्धि भी होती है। इस तरीके से जो है सब यहाँ पर माता के चरणों में जो है पैसे रखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कई लोग जो हैं सेल्फी भी ले रहे हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो है पुजारी जो है इस मंदिर के महालक्ष्मी मंदिर के मौजूद हैं। पुजारी जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको धनतेरस की। आपको भी साहब, अरे इस बार क्या खास है? हीरा मोती का श्रृंगार है, डायमंड है, चांदी सोने चांदी के बरक से श्रृंगार किया गया है, रत्न जड़ित करिए गए हैं। इस बार ये खास है, इस बार वैसे हर बार ही होता है तो सर, लेकिन भाई हर बार जो है हम ये देखते आ रहे हैं कि जो देश में जो भक्त हैं महालक्ष्मी माता के जो भक्त हैं उनकी ये रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज होती है। जैसे इस बार हमें बताया गया कि 92 कैरेट गोल्ड का आपने बिल्कुल क्या किया है, श्रृंगार किया माता का, माता जी का श्रृंगार किया है, हीरे मोती भी। और इस बार जो भक्तों ने कितना माता के चरणों में कैश जो है वो रखा, करीब 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए तकरीबन इस बार जो है ज्यादा आ गया है। कितने सीसीटीवी कैमरे वगैरह? कुछ 29 के आसपास, 29 32 कैमरे करीब, 32 कैमरे, कुछ भी 10 कैमरे लगे होंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये बता रहे हैं कि तकरीबन 32 कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखें किस तरीके से पूरा जो ऊपर का जो श्रृंगार है वह किया गया है। और हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, एक मिनट उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या कह रहे हैं वो। कैसा लगता है यहाँ मंदिर में आके? बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कभी ऐसा कोई मंदिर देखा है आपने? नहीं देखा, ये सबसे सुंदर भव्य मंदिर। इतनी जो श्रृंगार होता है, इतना जो पेमेंट पैसा यहाँ रखा हुआ है, कैसा लगता है? आपका मान्यता होती है, आपने मांगा है, कभी कुछ मिला है? हाँ, जो मांगते सब मिल जाता है। कैसा लगा है मंदिर में? बहुत ही सुंदर, इसकी तो कोई कामना भी नहीं कर सकता है कि जहाँ पे महालक्ष्मी जी विराजमान है वो खुद आज यहाँ पे साक्षात रूप से प्रचलित हुई है। पूरे इंडिया में ही ये फेमस है मंदिर। मान्यता है कि जो मांगा जाता है वो मिलता है, आप क्या कहते हैं? वो सत्य है, वो सत्य है। यहाँ पर आप बाहर खड़े रह के क्या, घर से भी अगर आस्था से अगर इसका आप को बंद करके उस चीज का नमन करके जो मांगेंगे वो मिलेगा, वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपने भी मांगा है, मिला है? बिल्कुल, ये तो हमारा तो साक्षात यही बैठे हैं। ये सर प्राचीन काल रियासत काल से चला आ रहा है, राजा रतन सिंह जी के टाइम से, और इसकी भव्यता जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं विदेश से भी जो है बहुत दर्शनार्थी आते हैं, और चढ़ावा भी जो है सजाने के लिए नोट
और आभूषण के रूप में होता है। इस बार जो है चढ़ावा वो दुगना है, तकरीबन 7 करोड़, और लोगों की आस्था बिल्कुल बरकरार है कि अगली बार भी माता के दर्शन इसी तरह से होंगे। रतलाम से साजिद खान, NDTV।